दिस इज लेक्चर 43 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10 साइंस ग्रुप. आवर टुडे टॉपिक इज सेट्स एंड फंक्शंस रिलेटेड टू यूनिट 5. स्टूडेंट ओपन पेज 98 ऑफ योर मैथ बुक्स. टुडे वी सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3. We solve questions 3 and 4 in this lectures. We solve questions 1 and 2 in previous lectures. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और मुझे अपने ईमान में रखे, हमारे ईमानों को सलामत रखे और मुझे इस लेक्चर को समझाने में और आपको इस लेक्चर्स को समझने की तौफीक अता करे. आमीन सुम्मा आमीन. इसमें इस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चंस 1 और 2 किया था. इस लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस 3 और 4 के ऊपर फोकस करेंगे. अब क्वेश्चंस 3 के ऊपर आ जाए. क्वेश्चंस 3 में हमने क्या करना है कि इसमें जो हमने मालूम करना है वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने हैं. हमारे पास सेट दिए हुए हैं. ए सेट है जो एम्प्टी सेट है और बी सेट जो है वो प्राइम सेट है. ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं और इसमें जो यूनिवर्सल सेट है वो उसमें वो एज ए नेचुरल सेट है. ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, वो एज ए नेचुरल सेट हमें दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट ले लेंगे. ये ए सेट है और ये बी सेट है. इसको हम लिख सकते हैं और इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है. इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है. तो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है और फिर इसको इनकी वेन डायग्राम्स भी हम इसकी बना सकते हैं. ठीक है, सॉरी वेन डायग्राम्स नहीं बनाना बल्कि डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करना है. तो डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस जो है वो हमें पहले मालूम कर लेते हैं. तो इसमें डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्ट बी होल कंप्लीमेंट है. तो इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्ट बी. तो यू सेट हमारे पास एन है, डिफरेंस एम्प्टी सेट इंटरसेक्ट प्राइम सेट. तो एम्प्टी सेट और प्राइम सेट का जब इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता. तो जब इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ होगा तो एम्प्टी सेट ही होगा. ठीक है, तो यहां पर आ गया. अब हमने मालूम करना है नेचुरल सेट, डिफरेंस खाली सेट. तो नेचुरल सेट में से अगर कोई भी एलिमेंट ना निकाले तो सारे का सारा जो है वो नेचुरल सेट आ जाएगा. तो इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का नेचुरल सेट आ जाएगा. ठीक है, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे हमने मालूम क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट. यहां टाइपिंग मिस्टेक है, उसको मैंने करेक्ट कर दिया. तो ये लिख लिया. अब इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, यू डिफरेंस ए यूनियन यू डिफरेंस बी. इसको हमने लिख दिया और इसको हम सेट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. तो अब हम उस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं. तो सेट फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें ये आ जाएगा U डिफरेंस A. तो N डिफरेंस खाली सेट, N सेट ही होता है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया. और N डिफरेंस P, इसमें अब क्या आएगा, अब N डिफरेंस P में जो हमारे पास आएगा वो प्राइम नंबर निकाल के बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे. और इन नेचुरल नंबर को जैसे फर्ज करें कि 1 आ जाता है, वन आ जाता है, फिर इसमें जो है वो 4 आ जाएगा, फिर इसमें 6 आ जाएगा, फिर इसमें जो है 8 आ जाएगा. ठीक है, ये इसके आंसर्स आएंगे और इसको वो कंटिन्यू करते जाएंगे. लेकिन ये सारे के सारे अल्टीमेटली नेचुरल नंबर है. जब इनका यूनियन मालूम करेंगे नेचुरल के साथ, इनका यूनियन मालूम करेंगे नेचुरल के साथ,
तो हमारे पास जवाब भी क्या आएगा, नेचुरल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि सारे के सारे नेचुरल सेट और जो प्राइम नंबर उसमें से निकाल दिए हैं वो भी उसमें शामिल कर लिए जाएंगे, तो वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि जब हम कोई सेट लिखते हैं तो नंबर्स को रिपीट करके नहीं लिखते। तो इससे पता चलता है फर्स्ट सेट से और सेकंड सेट से हमें क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गई। इसी का जो पार्ट क्वेश्चंस 3 आ गया, ये हमने क्या कर दिया, डिमॉर्गन्स लॉ में एक मैंने प्रूफ कर दिया, दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ जो है वो इंटरसेक्शंस जो है, सॉरी डिमॉर्गन्स लॉ अभी हमने प्रूफ किया इंटरसेक्शंस का, तो आप डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन जो है वो आप खुद करेंगे। दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन जो है वो नीचे मैं उसकी शेप दे देता हूँ, लेकिन सॉरी मैं एक दफ़ा उसको दिखा देता हूँ कि किस तरह करना है, बाकी आप इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये उसका डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो ऑफ यूनियंस है, ठीक है। तो ये आपने नोटबुक के ऊपर करना है, मैंने यहाँ पे भी वैसे वो कर दिया एक दफा, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब आ जाए क्वेश्चंस 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस 4 में आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस 4 में उन्होंने 3 सेट हमें दे दिए हुए हैं और हमने क्या करना है कि इसमें नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं और उनको वैंड उनकी क्या करना है, इनको सॉल्व करना और इनकी वैन डायग्राम भी बनानी है हमने, ठीक है। वैन डायग्राम्स के जरिए इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हम चलें क्वेश्चंस 4 का पार्ट 3 जो है वो मैं करता हूँ, उसको 4 का पार्ट 3 के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो 4 का पार्ट 3 जो है उसके ऊपर चलते हैं 3। तो इसमें क्या है, ये अब वही है जो ऊपर वाला सवाल था, उसमें हमने करना क्या था कि ए डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस था, अब ये डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन है, तो इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। मैंने इसीलिए इसको सिलेक्ट किया क्योंकि थर्ड में हमने एक लॉ किया था, तो अब इसको हम दूसरे के तौर पर अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमने लेफ्ट साइड साइड पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी जो है होल कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है। तो ये मेरे पास ए सेट है और इसको सॉरी ये यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं लिख सकता हूँ, जो ये वाला है इसको लिखा किस तरह जा सकता है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक है, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि पहले हम इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला देखेंगे कि इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे, तो दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है, तो जो मिलते जुलते हैं उनको एक दफा और जो दोनों में है वो एक एक करके लिखे जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये इसका यूनियन मालूम आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, डिफरेंस मालूम कर देना है। तो अगर हम देखा जाए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो इसमें जवाब 2 होना चाहिए क्योंकि ये टोटल 10 एलिमेंट है, तो इसमें 6 नहीं है और 10 नहीं है, तो 6 और 10 इसमें नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल सेट के 6 और 10 यहां पे लिख दिया जाएगा, तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट जो है 6, 10 के बराबर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है जो हमने मालूम करना है वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कंप्लीमेंट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शंस यू डिफरेंस बी, ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे। और इसको हम जिस तरह पहले हमने ऊपर भी एक इसी तरह से मिलता जुलता एक सवाल सॉल्व किया था, ये भी वही है तकरीबन, सेट भी वही है, एलिमेंट्स भी वही हैं और तकरीबन जवाब भी वही होगा हमारा, ठीक है। इसको अलहदा करेंगे और फिर इसको जो है वो हम अलहदा अलहदा दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस मालूम करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, यानी ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे और बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे अलहदा अलहदा, ठीक है। तो अब अगर हम उसको देखा जाए तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को जब हम मालूम करते हैं तो इसका जो जवाब है वो हमने यहां पर लिख दिया,
ये इसका डिफरेंस मालूम किया है और इसका जो जवाब है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट मालूम करना है, इसका हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट मालूम करना है। तो वो हम करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 6 कॉमन है, ठीक है, और 10 कॉमन है, तो वो 6 और 10 हो गया। तो प्रीवियसली जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था कि उसमें जो हमारे पास था 1 का वो 6 10 जवाब आया था, और अगर अब हम इसको देखा जाए तो इसका भी 6 10 है। तो 1 और 2 से हमें पता चलता है कि ये इसमें जो है वो ये वाला आ गया। अब हम इसको जो है वो लिख लेते हैं कि इसमें जो है इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम किस तरह बनानी है, पहले इसमें सेट के ऊपर आ जाए ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि सेट क्या है। तो अगर हम इसको देखें ये वाली शेप को, तो इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, अगर ए और बी सेट को देखा जाए, ठीक है, ए और बी सेट को 5 भी कॉमन है, इसके अलावा मुझे नहीं कोई कॉमन नजर आ रहा है। 3 और 5 जो है वो कॉमन है ए और बी में। तो इसका मतलब है जब इसकी पिक्चर्स बनाई जाएगी तो ये एक पिक्चर्स है, इसमें 3 और 5 जो है वो यहां लिखा जाएगा, इसके अलावा इसका 1, 7 और 9 हम यहां लिख देंगे, ठीक है। अब एक पिक्चर्स और बना लेते हैं, इसमें 3 तो इधर आ गया, 2 इधर लिख लेंगे, 4 इधर लिख लेंगे, 5 इधर आ गया और 8 इधर लिख लेंगे। ये पिक्चर्स बन जाएगी और इसको हम यूनिवर्सल सेट यानी U के अंदर रख देंगे। ये U हो गया और ये हमारे पास A सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास B आएगा। अब इन सारे सवालों में पिक्चर्स यही होगी, सेम पिक्चर्स होगी, नंबर भी इधर उधर होंगे, बस जवाब में डिफरेंस जो है वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है, वो अलग से किया जा सकता है वो जो भी सवाल होगा। इसमें पिक्चर्स में जो है वो कोई चेंज नहीं है। अब इसमें एक और चीज हमने ये देखनी है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट इसका हिस्सा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 इसमें लिख लेंगे, ठीक है। अब 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 10 इसमें लिख लेंगे, यानी पिक्चर्स में ये हमारे पास इस तरह की एक पिक्चर्स बन जाएगी जो हर सवाल में क्वेश्चंस 4 के हर पार्ट के लिए सेम पिक्चर्स होगी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ये पिक्चर्स को हम आगे जो है वो आगे चल के देखते हैं इसको हम किस तरह करना है। तो अब इसमें देखें कि मैंने क्या किया है कि वही बनाया, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाले सेट हैं ये क्या है वो इंडिकेट करते हैं। यहां पे मैं नंबर्स फिर आपको लिख देता हूं कि उसमें कौन कौन से आएंगे। यहां इस वाले हिस्से में जो नंबर्स आएंगे वो मैंने कौन कौन से लिखे थे, 3 और 5 है, 3 और 5 इधर आएंगे, ठीक है। ये क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं, थोड़ा लिखने में दिक्कत है, लेकिन आप पेन से लिखेंगे आप से लिखना आसान होगा। और इधर वाले जो नंबर हैं जो अभी ऊपर है वो आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, वो ए में आएंगे। और इधर वाले भी मैंने लिख दिए थे, और 6 और 10 को मैंने क्या किया था, मैंने यहां लिखा था, ठीक है। और हमारा जवाब भी क्या आया था, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का जवाब भी 6 10 आया था, और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कंप्लीमेंट का जवाब भी हमारा क्या आया था, 6 10 आया था। अब जो वैन डायग्राम्स बनाते हैं उसमें एक तरीका का रखते हैं कि क्वेश्चंस भी वही होता है, आंसर्स भी वही पे होता है, लेकिन आंसर्स में लाइन को हम क्या कर लेते हैं, वहां पर उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इसमें हमने जहां जहां 6 10 है उसको हमने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, वहां उसको हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया इस तरह, तो बाकी सारी चीज एम्प्टी हो जाएगी। तो ये जो है ये वेन डायग्राम्स बन जाती है। इसमें ये याद रखिएगा क्वेश्चंस 4 के सारे जो है वो इस तरह आएंगे। अब मैं ए के एलिमेंट्स इधर लिख देता हूं और बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है वो उधर उधर लिख देता हूं। तो ए के हर एक में ऐसे लिखना है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, क्योंकि 6 नहीं, यहां पे मैं करेक्ट कर दूं, 3 and 5 इधर आ जाएगा। और ए में जो आएंगे एलिमेंट वो आएंगे मेरे पास 1 आ जाएगा, 3 क्योंकि इसमें शामिल हो गया इधर, तो इधर 3 ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, और फिर 5 भी इसमें आ गया, फिर इसमें 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा,
ठीक है, अब बी में जो एलिमेंट रह जाएंगे वो टू, सॉरी बी को मैं किसी और कलर से लिख लेता हूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए, टू थ्री और फोर, फाइव इधर आ गया, टू थ्री फोर फाइव इधर आ गया और एक और रह गया एट, ठीक है। सिक्स और टेन मैंने इधर लिख दी है, वो आप जो है वो यहां से उसको चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन कंप्लीट शेप है, इसको मैं टाइटल्स दे सकता हूं, ये ए सेट है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट का भी इसमें जिक्र आना चाहिए, जो यू है ये भी इसके अंदर आपने लिखना है, ठीक है। और जो आंसर्स था हमारा दोनों सर्व पे 6 और 10 है, इसलिए 6 और 10 को हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। क्लियर हो गया मेरा बेटा, ये बात ध्यान में रखनी है, सारी पिक्चर्स इसी तरह की बननी है। अब इसमें हम एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं और वो चले फाइव पार्ट पे आ जाए, वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है मेरा बेटा। इसका पार्ट जो है वो फाइव खोल लेते हैं, तो ये फाइव सेट जो है उसके ऊपर आ जाए। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, पिक्चर्स तो सेम होंगी जो मैंने बनाई है, लेकिन उसमें हाईलाइट डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करता है जहां जहां आपके नंबर होंगे उस वाले हिस्से के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या मालूम करना है, ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट, तो यू ए डिफरेंस बी, तो पहले ए डिफरेंस बी मालूम कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम मालूम करेंगे तो इसमें हमने जो कॉमन है वो नहीं लिखने ए के, बाकी सारे के सारे हमने लिखने हैं। तो वन आ जाएगा, थ्री दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, फाइव दोनों में है नहीं लिखेंगे, सेवन आ जाएगा और नाइन आ जाएगा, ये इसका डिफरेंस हो गया। अब इन तीन एलिमेंट को निकाल के यूनिवर्सल के बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन निकाल दें, एट और नाइन निकाल दें और टेन, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गए। इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, राइट हैंड साइड मालूम करनी है, और राइट हैंड साइड के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम यू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी सेट के साथ करेंगे। ये भी पहले बिल्कुल ऊपर दिया हुआ सवाल था, लेकिन यहां इसकी वेन डायग्राम्स भी हमने बनानी है। तो यू डिफरेंस ए सेट यूनियन बी, तो यू डिफरेंस ए सेट जो है हम पहले मालूम कर लेते हैं, इसमें वन थ्री फाइव सेवन नाइन निकाल दें, बाकी रह जाएगा टू फोर, यानी टू फोर सिक्स एट और टेन, तो ये मैंने यहां पर लिख दिए, इससे मेरे पास ये जवाब आ गया। ये सेट मैंने सेम टू सेम वैसे का वैसा फिलहाल यहां पे लिख दिया। अब हमने इसका क्या करना है, यूनियन मालूम करना है, ठीक है। तो इसका यूनियन, इन दोनों का हम यूनियन मालूम करेंगे, तो सभी को मिला के लिख देना है, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट और टेन, ये इसका जवाब आ जाएगा। तो इसको देखा जाए और इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। और दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। और अब मैं इसकी वेन डायग्राम्स के ऊपर आ जाता हूं, इसकी वेन डायग्राम सेम टू सेम वैसे ही बननी है, लेकिन जो लाइनें लगानी है आपने वो हाईलाइट करने के लिए, वो डिफरेंट पार्ट होगा। अब आ जाते हैं उसकी तरफ कि वो किस तरह हमारे पास बनेगा लाइनें लगाने वाला, ठीक है। तो उसकी तरफ चलते हैं, जो आपने देख लिया है, अब हम इसकी वेन डायग्राम्स के ऊपर आ जाते हैं। तो अब आपने इसमें देखा होगा कि एक दफा मैं फिर थोड़ा सा जवाब भी सामने ले आता हूं कि इसमें हमने जवाब क्या लेके आना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन। तो मेरा बेटा ये देखें कि इसमें जब मैंने पहले पिक्चर्स बनाई थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें जो है वो सारे के सारे एलिमेंट थ्री और फाइव यहां पर था, यानी इसमें थ्री और फाइव हमने लिखना था, इसमें ऊपर वाले में हमने क्या किया था, थ्री फाइव इधर लिखा था, और इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स आप इनको नंबर्स को इसके अंदर लिख लेंगे। सिक्स एट हमने बाहर लिख दिया था, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो जो हमारे पास आ जाते हैं, यानी थ्री फाइव कॉमन है, वो दरमियान में आ जाएंगे, वन सेवन नाइन, ठीक है, वन सेवन नाइन, वन सेवन नाइन इसमें आएंगे, ठीक है, और यानी वन सेवन नाइन इसके अंदर आएंगे, तो वो मैं इसमें लिख देता हूं वन सेवन नाइन, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर लिख दिए। तो अब अगर देखा जाए तो वन सेवन नाइन जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो मैंने किसमें लिख दिए, वन सेवन और नाइन,
ठीक है, 3-5 इसमें लिख दिया, क्लियर हो गया, ये इसमें आ गया, और उसके बाद ए जो 2, 8 और 10 था वो मैंने इसमें लिख दिया। अब ये सारे मैंने लिख दिया, और इधर मैंने क्या लिखा था शायद आपको याद हो, 6 और 10, 6 और 10 इसमें आ गया, ठीक है। तो 2, 4, 8 जो है वो इधर आ गया था, क्लियर हो गया, ये आप पीछे से देख सकते हैं जो मैंने पिक्चर्स पहले बनाई है। तो अब हमारे पास आंसर्स क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, इसमें 1 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, यानी इसको छोड़ के हमने बाकी सारे को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। इसमें 3-5 है और ये गलती है एक पिक्चर्स में, दूसरी पिक्चर्स में उन्होंने करेक्ट किया हुआ है, ये इसको ठीक कर ले, ये यहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है, ये उन्होंने नहीं किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये आपने भी कर देना है, जैसे उन्होंने ये पिक्चर्स बनाई है ये ठीक बनाई है, ये उसमें थोड़ी सी करेक्शंस थी वो मैंने कर दी। तो ये पांचवें का आपका वेन डायग्राम्स बन गया, हाईलाइट थोड़ा डिफरेंट है, ये आप मेरा बेटा देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं हर एक की वेन डायग्राम्स भी आपको दिखा देता हूँ हर सवाल की, ताकि आपको कंपैरेटिवली कोई मुश्किल ना हो नोटबुक पे उतारने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपने, मैंने 3 और 5 आपको अभी लेक्चर्स में करवाया, बाकी आप कर सकते हैं। ये 5 की है, 6 की भी देख ले मेरा बेटा, ये 6 की है, ठीक है, ये 4 की है, ठीक है, ये 3 की है, और ये 2 की पिक्चर्स है, ठीक है, और 1 की मैंने ऊपर आपको, ये आपको पहले करवा दी है, ठीक है। तो ये पिक्चर्स जो है वो आ गए, अच्छा मेरे बेटे, इसमें भी 1 में करेक्शंस कर लीजिएगा, यहाँ कुछ टाइपिंग गलतियाँ काफ़ी सारी हैं इन नोट्स में, तो इसमें जो करेक्शंस है, पिक्चर्स दोनों तरफ आपने यही लिखनी है, पिक्चर्स दोनों तरफ आपको यही लिखनी है, क्योंकि यही जवाब है, ये हाईलाइट गलत किया हुआ है, जिस तरह की ये पिक्चर्स है सेम उसी तरह की पिक्चर्स आपने इधर भी बनानी है, ये पिक्चर्स गलत है, इसकी जगह इस जैसी ही सेम पिक्चर्स आपने इधर बनानी है प्रैक्टिस जब आप इसको करेंगे, ठीक है, और उसमें हाईलाइट भी ऐसे ही करेंगे जैसा ये किया हुआ, क्योंकि देखें इसका और इसका जवाब सेम है, तो दोनों का जो पिक्चर्स है वो भी सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंस नहीं होती। जैसे मैंने अभी पार्ट 5 करवाया उसमें भी थोड़ी सी गलती थी, तो इसमें भी मैंने करेक्ट कर दी है, ठीक है। तो ये जरा देख लें कि दोनों पिक्चर्स एक जैसी हैं, अगर कहीं नोट्स में गलती लगे तो आप मुझसे करेक्ट करवा सकते हैं, ओके बेटे। चलें, ये आज की एक्सरसाइज थी, मैंने कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, अल्लाह से उम्मीद दुआ करता हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह समझने की तौफीक अता करे मेरा बेटा। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि यूनिट 5 जो है वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, और इसमें जो इसमें हमारे पास जो है वो के जो कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आज क्लास में करवाए हैं, जो 1, 3 और 5 करवाया है, 2, 3 करवाया है, और क्वेश्चंस 3 का मैंने एक पार्ट करवाया है, और 3 और 5 करवाया है। इसमें जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है, इसलिए इन क्वेश्चंस को खास तौर पे आपने फोकस करना मेरा बेटा, ओके बेटे। जो मैंने कुछ क्लास में करवाए हैं और जो क्लास में मैं नहीं करवा सका वो आप नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिएगा, स्मार्ट सिलेबस आपको मेंशन कर दिया हुआ है, वो आपने स्पेशली उसके ऊपर ज़रूर फोकस करना है, और उसको उन क्वेश्चंस को नोटबुक पे ज़रूर आपने करना है, ठीक है बेटे। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप जो पहले मैं तरीकाकार है उसके ज़रिए मैं मेंशन किया हुआ है उसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं, ओके बेटे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।